नमस्कार। आज हम बूंदी चित्रकला शैली का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने देखा कि राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां पनपी, जिनमें से एक हड़ौती चित्रकला शैली भी थी। हड़ौती चित्रकला शैली को बूंदी चित्रकला शैली भी कह सकते हैं, जिसका केंद्र बूंदी का राज्य था। बूंदी राज्य का बूंदी और कोटा में विभाजन हो जाने के पश्चात हाड़ौती चित्रकला शैली के दो केंद्र बन गए, बूंदी और कोटा। कोटा चित्रकला शैली का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम बूंदी की चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बूंदी राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लें, क्योंकि उसी में बूंदी चित्रकला का विकास भी छुपा हुआ है। 13वीं शताब्दी में हड़ा देवा ने बूंदी में अरावली की पहाड़ियों की घाटियों में बूंदी के हड़ा राज्य की स्थापना की थी और अपने प्रारंभिक काल में यह है मेवाड़ के आधिपत्य में बना रहा, क्योंकि इस समय मेवाड़ का राज्य राजस्थान का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजपूत शासक था, जिसका प्रभाव न केवल लगभग संपूर्ण राजस्थान में वरन पड़ोसी रियासतों पर भी था। फलस्वरूप बूंदी के चौहान राज्य को मेवाड़ के आधिपत्य में सर्वाइव करना पड़ा। यह मेवाड़ के आधिपत्य से निकलता उसी समय भारत में अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, जिसने राजपूतों के प्रति एक विशेष प्रकार की नीति का प्रतिपादन किया था। इसलिए बूंदी के राज्य ने प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद अपनी कुछ निश्चित शर्तों पर मुगल सम्राट अकबर के साथ 1569 ईस्वी में संधि कर ली। इसके पश्चात बूंदी के हाड़ा राज्यों के मुगल शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। इससे भी अधिक बूंदी के कुछ राज्यों को कुछ शासकों को मुगल सम्राटों की व्यक्तिगत मित्रता का विशेषाधिकार भी प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ की चित्रकला शैली, जो प्रारंभ में मेवाड़ के आधिपत्य में रहने के कारण मेवाड़ी चित्रकला शैली से प्रभावित थी, अब मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव भी उस पर आने लगा। जैसे ही मुगल राज्य क्षीण हुआ, हड़ौती क्षेत्र को मराठों के आक्रमणों और लूट का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर राजनीतिक विखंडन आया। इस राजनीतिक विखंडन को 18वीं शताब्दी में बूंदी राज्य में चले उत्तराधिकार के लिए लंबे संघर्ष में देख सकते हैं, जो बुद्ध सिंह, दलेल सिंह और उमेद सिंह के समय में चला। उसके पश्चात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समस्त राजपूत राज्यों के साथ साथ बूंदी का राजपूत राज्य भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया। और बूंदी के हाड़ा राज्य के राजनीतिक इतिहास का जो यह दौर रहा, उसने यहाँ की चित्रकला शैली को भी अपने समानांतर रूप में प्रभावित किया। ये हम बूंदी की चित्रकला शैली का अध्ययन करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। तो बूंदी की चित्रकला शैली, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक सुंदर चित्रकला शैली मानी जाती है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से इन्हीं शब्दों में सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की सर्वाधिक सुंदर चित्रकला शैली कौन सी थी, और उसका जवाब बूंदी चित्रकला शैली होता है। बूंदी चित्रकला शैली, जैसा कि हमने बात की प्रारंभ में,
मेवाड़ी चित्रकला शैली से प्रभावित रही, बाद में मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित रही। मुगलों के संपर्क में आने का एक नया प्रभाव भी बूंदी चित्रकला शैली पर पड़ा। वह यह था कि यहाँ के शासकों को मुगल मनसबदार बन जाने के बाद दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों में नियुक्त किया गया, और क्योंकि चित्रकला के प्रति इनकी अभिरुचि थी, तो दक्षिणी चित्रकला शैली के तत्वों को इन्होंने अपने चित्रकला शैली में समावेशित किया। इसलिए बूंदी चित्रकला शैली पर दक्कन चित्रकला शैली का प्रभाव भी हम देखते हैं। उसके पश्चात मराठों के दौर से गुजरते हुए इंडिया कंपनी का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हुआ, और बूंदी चित्रकला शैली यूरोपीय चित्रकला शैली के वाणिज्यवाद के प्रभाव में आकर अपनी कलात्मकता और अपने वास्तविक सौंदर्य को खोने लगती है, यानी पतन की तरफ जाने लगती है। तो इस लंबे दौर में, जबकि बूंदी चित्रकला शैली का उदय हुआ और 19वीं शताब्दी में इसका पतन प्रारंभ हुआ, के दौर में बूंदी चित्रकला की क्या-क्या विशेषताएं रही, ये हम देखते हैं। जैसा कि वृहत रूप में राजस्थान की चित्रकला शैलियों के बारे में भी सत्य है, यहाँ की चित्रकला शैलियाँ 16वीं शताब्दी के बाद से विकसित होना प्रारंभ हुई है, क्योंकि सल्तनत काल के आखिरी दौर में राजपूत राज्य अपने वर्तमान आकार में आ रहे थे, और इन राजपूत राज्यों का वास्तविक विकास भी इसी समय 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसलिए राजपूत चित्रकला शैलियां भी इसी समय पल्लवित होना शुरू होती हैं। इसलिए बूंदी चित्रकला शैली का विकास भी 17वीं से 19वीं शताब्दियों के मध्य माना जाता है। यहाँ के शासक कलात्मक अभिरुचि से संपन्न थे, इसलिए चित्रकला की सुंदर शैली का विकास हुआ। यहाँ के शासक राव रतन सिंह को अपनी चित्रकला के प्रति अभिरुचि के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने सरबुलंद राय की उपाधि दी थी। यहाँ के शासक शत्रुसाल मुगल बादशाह शाहजहां के मित्र थे, इसलिए मुगल प्रभाव यहाँ पर बहुत बड़ा। राव रतन शत्रुसाल से होते हुए महाराव उम्मेद सिंह के समय में, जिनका कार्यकाल 1734 से 1771 ईस्वी रहा, बूंदी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई। यानी 18वीं शताब्दी का जो काल है वो बूंदी चित्रकला शैली का सर्वोत्तम काल है। हाड़ौती चित्रकला शैली अपने शिकार के दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है, और बूंदी चित्रकला शैली में शिकार के दृश्य सर्वाधिक महाराव बिशन सिंह के समय में बनाए गए। हाड़ौती क्षेत्र वल्लभ संप्रदाय की सीट भी रहा था, जैसा कि मथुराधीश जी के मंदिर की उपस्थिति से हमें पता चलता है। यह है नाथद्वारा के नाथ पीठ के भी निकटस्थ है, इसलिए बूंदी चित्रकला शैली में नाथ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के चित्र भी बनाए गए, और ऐसा महाराव राम सिंह के समय में अधिक हुआ। जैसा कि हमने बात की, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह है पतन की तरफ चली गई। इस तरह से हमने राव रतन सिंह से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत होने तक बूंदी के विभिन्न शासकों के अंतर्गत यह देखा कि बूंदी की चित्रकला शैली अपने विभिन्न आयामों को ग्रहण करते हुए विकसित हुई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, राव रतन सिंह से भी पहले, जबकि सुरजनहाड़ा के समय में ही अकबर की अधीनता बूंदी के राज्य के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, और बूंदी के शासकों को चुनार की जागीर मिली थी। इसलिए बूंदी चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हमें
चुनार से मिलते हैं और उसमें भी दो चित्रकला की श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, एक रागमाला है और एक भैरव रागनी की चित्र श्रृंखला है। ये दोनों चित्र श्रृंखलाएं आप देख सकते हैं कि 1591 का समय हमने लिखा है। कुछ किताबों में ये 17वीं शताब्दी के शुरू में चित्रित की गई भी मिलती है। 1625 का समय भी इसका मिलता है और 1591 का समय भी इसका मिलता है। भैरव रागिनी के चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित हैं और रागमाला और भैरव रागिनी को बूंदी चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरणों में से माना जाता है। तो ये चित्रकला शैलियाँ, क्योंकि तो हम बूंदी के चित्रकला शैली के विभिन्न रूपों में विकास की बात कर रहे हैं और ये सर्वाधिक प्राचीन चित्र हैं, इसलिए इन चित्रों पर मेवाड़ी चित्रकला शैली का प्रभाव तो है ही। जैसा कि हम ये जानते हैं कि मेवाड़ के आधिपत्य में रहने के कारण यहाँ की चित्रकला शैली मेवाड़ी चित्रकला से प्रभावित थी, लेकिन मुगल संरक्षण में चले जाने के बाद मुगल प्रभाव भी आ गया है। इसलिए बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्र तीन शैलियों के समन्वय का उत्पाद है, वो है हाड़ौती शैली, मेवाड़ी शैली और मुगल शैली। यहाँ जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं वो हाड़ौती शैली के अनुरूप हैं। बारीक वस्त्र, गुंबद इत्यादि मुगल शैली के अनुरूप हैं और आकृतियों के अंकन में और वेशभूषा में, खास तौर से नारियों की वेशभूषा में मेवाड़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से तीन शैलियों के समन्वय से बूंदी चित्रकला शैली अपने अस्तित्व में आती है। और किस तरह विकसित होती है और कितनी विशाल चित्रकला शैली बनती है, आप देख सकते हैं कि बृहत विषयों का अंकन यहाँ पर किया गया है। जिन जिन विषय वस्तुओं को लेकर चित्रण हुआ है उनमें भागवत पुराण है, रागमाला है, बारहमासा है, नायक नायिका भेद है, हरम के दृश्य हैं, प्रेमियों के दृश्य हैं, तारों भरी रातें हैं, शिकार के दृश्य हैं, मानवाकृतियां हैं यानी पोर्ट्रेट्स हैं, सामंतों के जीवन के दृश्य हैं, जंगल और प्राकृतिक परिवेश के दृश्य हैं, आम जनता के जीवन के दृश्य हैं, तो हाँ त्योहार हैं और प्रोसेशंस यानी जुलूस आदि हैं। ये विषय वस्तुओं को लेकर चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं और कुछ खास चीजें दिखाई देती हैं जो कि इसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं। जैसे कि जो चित्र बनाए गए हैं वो इस तरह के परिवेश में बनाए गए हैं जिससे उनमें सुंदरता, प्राकृतिक परिवेश और रूमानियत का समावेश हो जाता है। जैसे कि वो प्राकृतिक परिवेश में दिखाए जाएंगे, नदियां बहती हुई या घने जंगल, हरियाली, और जिन क्षणों का चित्रण किया गया है वो बड़े ऊर्जावान और मुखर बनाए गए हैं। इन विशेषताओं के कारण जिस लंबी विषय वस्तु को बूंदी चित्रकला शैली कवर करती है वे चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। मुगल इम्पैक्ट की बात हम कर चुके हैं, जैसा कि हमने बात की प्रारंभिक चित्रकला शैलियां मुगल, मेवाड़ी और बूंदी चित्रकला शैली का समन्वय थी और उसके बाद से मुगल प्रभाव क्रमशः बढ़ता चला गया। राव रतन को दी गई सरबुलंद राय की उपाधि की भी बात हम कर चुके हैं और शत्रु साल के समय बढ़े मुगल प्रभाव की बात भी हम कर चुके हैं। बात यह है रह जाती है कि ये मुगल प्रभाव किन किन रूपों में हमें दिखाई देता था। चित्रकला शैली में जो रोमानियत आती है, अति रंजिता आती है, चटक रंग आते हैं, थोड़ी अवास्तविक पृष्ठभूमि आती है, बागों का
फंवारों का, फूलों की क्यारियों का जो समन्वय आता है, तारों भरी जो रातें आती हैं, स्थापत्य के जो नमूने आते हैं, वो सब मुगल प्रभाव है। पोर्ट्रेट्स भी मुगल प्रभाव मानी जाती है। इस तरह बूंदी चित्रकला शैली में जो ये विभिन्न प्रभाव हमने देखे, वो मुगल प्रभाव थे। प्रकृति को अतिरंजक बनाना, स्थापत्य के नमूने, रोमानियत, तारों भरी रातें, चटक रंग आदि मुगल प्रभाव के कारण उसमें समावेशित हुए। और यह मुगल प्रभाव बसंत रागिनी नामक एक चित्र श्रृंखला में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके अलावा दूसरी चित्र श्रृंखलाएं भी हैं जिनमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी चित्रकला शैली का जो सबसे महत्वपूर्ण, सुंदर और विश्व विख्यात नमूना है, वह चित्रशाला का है। चित्रशाला यहाँ के शासक उमेद सिंह के समय में बनना शुरू हुई और उनके द्वारा बनाए गए महल के कुछ भाग में दीवारों और छतों को सुंदर चित्रों से अंकित किया गया। इसे उमेद भवन या उमेद महल कहते हैं और क्योंकि यहाँ पर चित्र अंकित किए गए हैं, इसलिए इसे चित्रशाला कहते हैं। यह वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। 18वीं शताब्दी में ये चित्र बने और चंदिया और खेमा इसके महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। चित्रों की जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से कृष्ण के जीवन से संबंधित, कृष्ण के जीवन के विभिन्न दृश्य, चाहे रासलीला करते हुए हो, चाहे गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए हो, या गायों को चराते हुए हो, या उनके जीवन का कोई और महत्वपूर्ण घटना हो, सर्वाधिक प्रमुख रूप से चित्रशाला की विषय वस्तु बनाते हैं। लेकिन चित्रशाला की विषय वस्तु केवल वहीं तक सीमित नहीं है। लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, आम जनता के जीवन से जुड़े हुए दृश्य, नारियों के पेंटिंग्स आदि यहाँ पर मिलते हैं। ये समस्त चित्र अपने कुछ सामूहिक रूप से कुछ विशेषताओं को उजागर करते हैं और वही बूंदी चित्रकला शैली के सर्वाधिक विकसित रूप को भी इंगित करते हैं। जो नारी आकृतियां बनाई गई हैं वो विभिन्न भंगिमाओं में हैं, जैसे कि चौसर खेलते हुए, झूला झूलते हुए, नावों में बैठे हुए, नृत्य करते हुए, महलों में विचरण करते हुए या इवन शिकार करते हुए भी उनके दृश्य हैं। जो मानव आकृतियां हैं उनमें एक अलग तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। जो स्थानीयता और मुगल प्रभाव दोनों के संयोजन का परिणाम है। चेहरे गोल बनाए गए हैं जो लाल, भूरे या गुलाबी रंगों से बनाए गए हैं। चेहरे को थोड़ा सुंदर और थोड़ा अति मानवीय बनाने के लिए उनकी आंख, नाक और गालों पर कुछ छायाओं का प्रभाव डाला गया है और ये मुगल प्रभाव माना जाता है। ये विभिन्न चित्र जिस तरह के प्राकृतिक परिवेश में बनाए जाते हैं उसी तरह के प्रभाव यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि अगर ग्रीष्म ऋतु का दृश्य है तो बाग में बैठे हुए झरने का आनंद लेते हुए बनाया जाएगा। अगर शीत ऋतु का है तो कुछ प्रेमी जोड़ों को आलिंगनबद्ध भी दिखाया गया है। इस तरह से मानव जीवन को प्राकृतिक परिवेश के साथ तालमेल बैठाते हुए यहाँ की चित्रकला शैली बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। और ये समस्त चित्र जिन स्थापत्य के ढांचों के अंतर्गत बनाए गए हैं वो स्थापत्य के ढांचे मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है और यह भी मुगल चित्रकला शैली का ही एक प्रभाव है। रंगों को बनाने में सोने, चांदी,
मूल्यवान धातु आदि का इस्तेमाल किया गया है। चित्रों को बनाने में, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, आकृतियों में सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा काला, नीला और लाल रंग और पीले रंग का उपयोग विभिन्न वस्त्रों को चित्रित करने के लिए किया गया है। इस तरह से रंगों का ये जो समन्वय है, ये मेवाड़ी शैली का प्रभाव भी है। गुलाबी रंग वहाँ से आता है। इसके अलावा हरा रंग प्राकृतिक परिवेश के कारण हरा रंग की उपलब्धता है, और कुछ कलर्स को जिन शेड्स के रूप में उपलब्ध किया गया है वो मुगल चित्रकला शैली के प्रभाव से आता है, और ओवरऑल चित्रों की जो रंगों की जो चटकता है वो भी मुगल शैली का प्रभाव है। इस तरह से अपने स्थानीयता और मुगल प्रभाव के समन्वय से बूंदी चित्रकला शैली राजस्थान की सर्वाधिक सुंदर चित्रकला शैली बन सकी है। इस सुंदरता का आभास इस शैली के कुछ चित्रों के माध्यम से आप कर सकेंगे। ये चित्र इंटरनेट से लिए गए हैं। चित्रशाला में छत पर सूर्य की पेंटिंग बनाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये कृष्ण का गोपियों की संगति में चित्र है, जिसमें पीले और लाल रंग की बहुलता है। ये भी बूंदी स्कूल का एक दृश्य है, जिसमें हरे रंग की प्रधानता है। एक फकीर के झोपड़ी में यात्रा का दृश्य है, काले रंग की बहुलता आप देख सकते हैं। विभिन्न नारी आकृतियां हैं। नारी आकृतियों सुंदर बनाए जाने के साथ इनकी भंगिमाओं में लयात्मकता आप देख सकते हैं, और बूंदी चित्रकला की सुंदरता के लिए यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण का दृश्य है, गायें साथ में चल रही हैं, रासलीला करते हुए श्री कृष्ण का चित्र है, गोपियों के कपड़े चुराते हुए श्री कृष्ण का चित्र है, नारियां शिकार कर रही हैं, हाथी युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, सरस्वती का पेंटिंग है, भगवान गणेश का पेंटिंग है, गज लक्ष्मी का पेंटिंग है। ये संपूर्ण चित्रशाला का एक दृश्य है। बूंदी चित्रशाला में नाथ द्वारा के शहर और मंदिर का लेआउट मिलता है। हमने बात की कि यह वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित था, तो बूंदी चित्रकला शैल के उदाहरणों में से यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरह से हमने बूंदी चित्रकला शैली के उदय और विकास, उसकी विषय वस्तु, उस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया, जिसके कारण बूंदी चित्रकला शैली 18वीं शताब्दी में राजस्थान में पाई जाने वाली चित्रकला शैलियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह है अपनी सुंदरता, अपनी प्राकृतिकता, अपनी लयात्मकता, नारी आकृतियों की सुंदरता, अपने भूदृश्यों के कारण इतनी सुंदर बन पड़ी है और राजस्थान की चित्रकला शैलियों में सर्वाधिक सुंदर गिनी जाती है। चित्रकला के कुछ नमूने प्रयाग संग्रहालय में और भारत कला भवन काशी में संरक्षित हैं। इसके अलावा यहाँ की चित्रकला का एक वास्तविक स्थल है, जो सर्वाधिक सुंदर नमूना भी है और वर्तमान समय में पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बड़ा कारण भी है।